नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शाम के 5 बज गए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं जनहित। जनहित लेकर मैं हाजिर हूं। बात कर रहे हैं पहाड़ तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो जनहित में हम बात कर रहे हैं पहाड़ तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का आज 15वां दिन हो चुका है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 24 नवंबर से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क आज फिर से शुरू हो गया। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अब पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। इसके लिए जरूरी मशीनरी दोपहर को ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई थी। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया गया है। हालांकि इसमें काफी खतरा भी है क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका भी है। ड्रिलिंग में कितना समय लगेगा इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज टनल में फोन की लैंडलाइन भी डाली गई है और इसमें मजदूर अपने परिवार से बात कर सकेंगे। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी न मिलने के बाद प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना बनाई गई थी। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। इससे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने पेड़ काटकर पहाड़ की चोटी तक भारी मशीनरी ले जाने का रास्ता तैयार किया है। सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन में जो सॉफ्ट हैं उनको ब्लेड्स जो हैं उनको बदलने की निकालने की तैयारी की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकाले गए तो इसमें सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन भी टूट सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये जो ड्रिलिंग के दौरान ब्लेड टूटे हैं उनको निकालना आवश्यक है। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगाया गया है। तो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, आज 15वां दिन है ऑपरेशन का और अब तक कामयाबी नहीं मिली है। विशेषज्ञों की अलग अलग राय सामने आ रही है। रेस्क्यू की अगर बात की जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, निश्चित रूप से ये रेस्क्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हमारा एक विशेष विशेषज्ञ पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ड्रिलिंग कब तक कंप्लीट हो पाएगी और जो प्लान बनाए जा रहे हैं इन प्लान में कहाँ कमियां हो रही हैं और सफलता जो है कैसे मिलेगी और कब तक मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ। शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय प्रवक्ता हैं, ये यूकेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एक बयानी पूर्व प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मिश्रा ONGC के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का के न्यूज के मंच पर बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया। ONGC के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि मिश्रा जी हैं, हाँ उनके पास आना चाहेंगे। रवि मिश्रा जी, जिस तरीके से आज 15 दिन हो चुके हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, विशेषज्ञों की राय भी हर दिन बदलती जा रही है क्योंकि समय की कोई जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से विशेषज्ञों की राय भी बदलती जा रही है क्योंकि रेस्क्यू में लगातार टाइम भी बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतों की भी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग काफी खतरनाक भी मानी जा रही है, तो इसमें कितना सफलता मिलने की उम्मीद आप देख रहे हैं? नमस्कार सभी को। जैसा कि बताया गया है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो है हमारे इमरजेंसी प्लान का बी प्लान है जी। It means that we are moving from softer plan to harder plan. So very obviously कि जो सबसे आसान वाला प्लान था वो फ्रंट से ही एक्सेस करने का था जी, लेकिन उसमें कामयाबी न मिलने के कारण अब जो है हम वर्टिकल ड्रिलिंग का ऑप्शन अब तलाश रहे हैं और या करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रंट एंड से जो ड्रिलिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है किन्हीं बाधाओं के कारण। रहा सवाल वर्टिकल ड्रिलिंग का, तो ये हमें
उसमें कुछ बातें बहुत जरूरी है जानना, जिसके पहले कि हम किस एज ए विश्लेषक कुछ अपनी राय या सजेशन दे सकें। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना आवश्यक है कि वर्टिकल टनल के ऊपर से वो कितनी रॉक्स की ओवरबर्डन थिकनेस कितना है और कितना मीटर ड्रिल करना है। दूसरी जो बात है वो ये देखना है कि चट्टानों की कितने लेयर्स स्ट्रेटा, उसके ऊपर कितने लेयर सुपरपोजिशन है। अगर मान लिया 100 मीटर है तो वो एक एक जो लेयर होती है वो पूरी 100 मीटर की नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे लिथोलॉजिकल लेयर्स होती हैं जिनको कि ड्रिल करना, हर लेयर की ड्रिलिंग करना अलग अलग चैलेंजिंग टास्क है। और वर्टिकल ड्रिलिंग में अगर हमको कहीं पर बोल्डर या बड़े रॉक ट्रेन नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है इसका डाया मैक्सिमम 18 इंच से 2 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा जी, और तो उसको इसके बीच में अगर कोई बोल्डर या रॉक अगर आ जाता है तो ये ऑगर मशीन या इनके साथ ड्रिल करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा। एक पहला चैलेंज तो ये है कि अगर हमको कोई बोल्डर एनकाउंटर करते हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये टोटल जो ONGC ड्रिल करती है विद मड सिस्टम, ये वो ड्रिलिंग नहीं है। तो इसमें हमको सैंपल सर्कुलेट करने का मौका नहीं मिलेगा, जो कटिंग निकलेगी नीचे से उसको वर्टिकली ऊपर लाके थ्रो आउट करना होता है, फिर हम नीचे जाते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा बोल्डर या बहुत बड़ा हार्ड रॉक पीस मिलता है तो उसको ड्रिल करने के लिए, पियर्स करने के लिए और उसके थ्रू पेनिट्रेट करने के लिए हमारे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। दूसरा जो कि है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में जिस तरह से अगर वे बोल्डर्स मिलते हैं तो जाहिर है कि हार्ड रॉक मिलने की वजह से उसमें वाइब्रेशन और स्ट्रेस डेवलपमेंट के चांस ज़्यादा रहेंगे, और तो जो मिनी क्रैक्स हैं या मिनी फ्रैक्चर्स हैं उनको वो एग्जैगरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एग्रावेट हो जाते हैं और उसके थ्रू फिर से फेल्योर होने, रॉक्स फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब प्रिकॉशन को देखते हुए वर्टिकल चैलेंजिंग तो है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं और समय की बंदिश और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा जल्दी हो सके उन्हीं उन्हीं ऑप्शंस को अप्लाई किया जाए। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, ऑप्शन हमारे पास सीमित ऑप्शन है, इन्हीं से रास्ता भी निकालना है। एके बयानी सर आपके पास आना चाहेंगे। एके बयानी सर, अगर ड्रिलिंग की बात की जाए, आज अभी तक हम लोग ड्रिलिंग जो ड्रिलिंग कर रहे थे, तमाम आस और उम्मीद थी कि हम और ये जो अमेरिका से मशीन ऑगर मशीन आई थी इसी को हम लोग संजीवनी मान के चल रहे थे। अब चूंकि ऑगर मशीन फेल हो गई है, अब दूसरे रास्ते पर हम गए हैं, प्लान बी पे हम काम कर रहे हैं। दो जगह वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है, दो जगह ड्रिलिंग करने का मकसद क्या है, और दूसरा कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो भी जो है वो कितनी सुरक्षित है। बयानी सर अनम्यूट कर लीजिए। बयानी सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट करिए। जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी जगह तो वहां जहां पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जो 6 मीटर बताया गया है जी, इस पे हम पहुंच सके। अब उस बोलते हैं कि वो तुम्हें हेड के ऊपर होगा या तुम्हें दिया होगा, इसकी स्थिति में जो हो सकता है तुम्हें तो आनंद होगा, उससे वाइब्रेशंस। तो बयानी सर की आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम को कि उनकी आवाज़ ठीक किया जाए, उनके पास दोबारा जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रवि मिश्रा सर आपके पास इसी सवाल के साथ हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया, चूंकि बताया जा रहा है ड्रिलिंग दो जगह हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है, लगभग 15 मीटर ये ड्रिलिंग हो भी चुकी है जैसा कि अधिकारियों ने अपडेट दिया है। दो जगह से ड्रिलिंग करने का मकसद क्या है कि अगर एक जगह हम अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो दूसरी जगह हमारा प्लान कामयाब हो सकता है, और दूसरी बात सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये ड्रिलिंग कितनी सुरक्षित है, चूंकि नीचे 41 मजदूर हैं और ये ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। मिश्रा जी, जैसा आपने बताया कि दो जगह से ड्रिलिंग की जा रही है, तो इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि एक स्टैंड बाई ऑप्शन
प्लान सी लेके चले साथ में, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो दोबारा हम बिना समय जाया किए हम दूसरे वाले होल से वहां पहुंचा जा सके। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि वहां पर जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उनके पास, हमारी जो मेरे सूत्रों से जानकारी है उसमें उनके पास लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का स्पेस है जहां पर वो रुके हुए हैं। तो इसका मतलब यह कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है और अगर हमको कहीं पर किसी कोई तरह की बाधा उत्पन्न होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर स्लॉट्स जो रॉक्स हैं वो क्रीपिंग करके टनल में गिरती हैं तो वो मजदूरों से काफ़ी दूर तक गिरें, लेकिन और लेकिन उन तक हम एक्सेसिबिलिटी हमारी इंश्योर की जा सके या पहुँचा जा सके। तो ऊपर से ड्रिल करने का जो है इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व हैं, इसीलिए दो होल को संभवतः प्लान किया गया है कि अगर एक में किसी तरह का बाधा आता है, कोई पानी का एक्वीफर कट जाए या कोई फॉल्ट ट्रेस मिले या कोई बोल्डर मिल जाए तो दूसरी शायद दूसरा जो होल है वो सक्सेसफुली ड्रिल किया करके वहां तक हम पहुंच सकें। हाँ बिल्कुल रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से एके बयानी सर के पास आना चाहेंगे। अगर एके बयानी सर तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो हमारा सवाल एके बयानी सर के लिए है। एके बयानी सर, जिस तरीके से जो हमारा प्लान ए था उसके हम काफ़ी नज़दीक थे, चूँकि ऑगर मशीन के को नुकसान हुआ है लगातार, उसमें समस्याएं भी आ रही थी, ऑगर मशीन भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, कई बार इसको बनाया भी गया है, अब ब्लेड इसके टूटे हैं, तो प्लान ए के हम काफ़ी नज़दीक थे सर। तो प्लान बी की तरफ जा रहे हैं, 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, इसमें चूँकि 15 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है, अभी लगभग 70 मीटर की ड्रिलिंग हमें करनी है, और प्लान ए के तहत जब हम जा रहे थे तो 7 से 10 मीटर की ड्रिलिंग बाकी रह गई थी, तो हमें प्लान ए जल्दी कामयाबी मिल सकती थी क्या? हम प्लान बी में चले गए हैं। देखिए प्लान ए में डेफिनेटली जब शुरू की थिंकिंग रही होगी जो भी वहां पे इन्वॉल्व है जी, उनको लग रहा था कि क्योंकि हमें 60 मीटर ही जाना है मैक्सिमम जी, तो उसमें हम बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे जी। जो प्रॉब्लम बाद में आए वो पहले से एंटिसिपेटेड नहीं होते हुए थे। अब हमारी अगर मशीन बार बार फंस रही थी तो ये उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा कि जो सरिये लगे हैं या जो उसमें आयरन रॉड लगी हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है बजाय हमारी अगर मशीन के जी। तो मेरा ये मानना है कि अभी प्लान ए चलते रहना चाहिए बजाय मैनुअल ड्रिलिंग के। अगर हम एक कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि आगे से एक लोहे की रॉड को पीछे जेसीबी मशीन या किसी दूसरे से पुश करे जी, ड्रिलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सिंपली पुश करे क्योंकि हमें 8-10 मीटर का मलबा और आगे है, अगर हम पुश करें तो हो सकता है उसमें हमको मलबे को खिसकाने में सहायता मिल सकती है, और वो बार बार मलबे पुश करेंगे तो हो सकता है एक ऐसी स्टेज भी आ जाए जहाँ पर हम पाइप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट क्योंकि हमारे प्लान तो ए के सारे ऑप्शन फेल हो चुके हैं, वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि 10 मीटर का मलबा या 8 मीटर का मलबा को हटाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अच्छा हैवी स्ट्रेंथ का आयरन ब्लेड चाहिए या बार चाहिए तो बड़ी अच्छी मोटाई की हो और उसको पीछे से ताकत से पुश करा जाए, जैसे कि मशीन कर सकती है। अब जहां तक प्लान बी की बात है, क्योंकि हमारा प्लान ए अभी उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिए है, प्लान बी अपनी जगह पर सही है, तो हम वर्टिकल ड्रिलिंग करके हमें फिर लग रहा है कि हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वहां पर जैसे मिश्रा जी ने कहा कि दो अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएंगे, बॉर्डर तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, जहाँ तक जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की सवाल है जी, वहां पर बोल्डर आने के चांस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि बोल्डर एक पर्टिकुलर रॉक जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं उसमें होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो फॉर्मेशन है जिनकी रॉक की संभावना वहां पे है उनमें कॉन्ग्लोमेरेट नहीं होता, इसलिए बोल्डर आने की चांस नहीं है। और जो अच्छा प्लान है वो यह था कि हम बैक साइड यानी जो बड़कोट वाला एंड है या उसका एंड है ब्रह्मखाल वाला एंड, वहां से हम 400 मीटर अंदर जाते हैं की, तो अभी तक मेरे ख्याल से हम पहुंच गए होते हैं। वहां से सिर्फ 400 मीटर है और वो साइड पूरी तरह से सेफ है, और सेफ साइड से ड्रिलिंग करते तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होता, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जाती 400 मीटर हम एक साथ 3-4 छोटे छोटे होल ट्राई करते हैं और वो 3-4 होल के बाद उसको ब्लास्टिंग करके हम उसको इंदाज कर सकते थे। अब जो भी है वहां एक्सपर्ट जिन्होंने भी एडवाइस करा है, तो लेट अस सी क्या रिजल्ट आते हैं इसमें।
हाँ, लेकिन ए के वानी सर, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट हैं अर्नोल्ड डिक्स की अगर बयान की बात की जाए तो उनके बयान तो चौंकाने वाले, वो उनका तो कहना है कि लगभग हम क्रिसमस तक हम कामयाब हो जाएंगे, तो काफी लंबा समय हो जाएगा। अब इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ जी, फिर भी ऐसा कि हमारा प्रयत्न होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और अगर क्रिसमस तक की बात करें तो उनसे ये भी क्वेश्चन करा जाना चाहिए कि अगर पीछे से इंटरव्यू करें ब्रह्मकाल साइड से तो उसमें 400 मीटर जाने में हमें कितना टाइम लगेगा। शायद मिश्रा जी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, निश्चित रूप से उनका ये फील्ड रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा 400 मीटर जाने में अगर पीछे से करें, क्योंकि महीने भर की बात मुझे समझ नहीं आती। निश्चित रूप से बयानी सर आपके पास भी आएंगे, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मंजू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजू जी आपका भी बहुत स्वागत है के न्यूज के मंच पर। रविंद्र कुमार जी के पास आना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, शासन की अगर बात की जाए, शासन हर तरीके की कोशिश कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, मुख्यमंत्री ने तो वहां डेरा ही डाल लिया, मिनी सचिवालय बनवा लिया है, शासन की मंशा तो स्पष्ट रूप से सभी देख ही रहे हैं कि पूरी कोशिश में लगी है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए, समय लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं, इसको लेकर इनका सामना भी मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय पहली प्राथमिकता सिर्फ यही है कि किसी भी गेंद क्रेन प्रक्रेन जो 40-41 जिंदगियां 10-15 दिन से फंसी हुई है वो किसी भी तरीके से सुरक्षित हमारे बीच में वापिस आ जाए जी। इसको जिस प्रकार से भी जो भी सामान, इक्विपमेंट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, स्किल्ड मजदूर, भगवान, विज्ञान, सभी को लेके सभी से के को अपना बना के इस काम को किया जा रहा है, और केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, माननीय धामी जी, तमाम ऐसे इक्विपमेंट अगर किसी चीज का अगर कहा जाता है कि इसकी जरूरत है या फला एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसे तुरंत मुहैया कराने का काम जिस प्रकार सरकार कर रही है उसकी मंशा क्लियर है कि हमारे जो भाई मजदूर जो पिछले काफी दिन से फंसे हैं वो किसी भी तरीके से बचे। अब देखिए, ये सहयोग की बात है, ये अभी 4 दिन पहले जहां हम इस तरीके की बात कर रहे थे कि अब पहुंचे और तब पहुंचे और अब निकले और तब निकले, वो फिर उसमें टेक्निकल इशू में तकनीकी उसमें हम फंस के रह गए, और निश्चित रूप से शायद भगवान की लीला इसमें क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से किसी काम को किस तरीके से पहुंचा जाए, तमाम ऐसे एक्सपर्टों की राय के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये ख्याल रखते हुए कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नुकसान ना हो जिससे कि और थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना। लेट जरूर हो रहे हैं, दिक्कत जरूर हो रही है, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता भी ये चीज समझ रही है, लोगों के भी मन में है कि हाँ सरकार जो है पूर्ण रूप से अपने प्रयासों को जारी रखे हो, और खाली प्रयास ऐसे नहीं कि हम प्रयास कर रहे हैं देख रहे हैं, वो उसपे भरसक प्रयास जिसे लेके एक्सपर्ट की राय से लेके तमाम ऐसी चीजों को लेके, और जल्दी मुझे ऐसी उम्मीद है कि भगवान जल्दी हमारे बीच में जो है इन हमारे श्रमिकों को हमारे बीच में वापिस सकुशल लेकर आएंगे, हमारे ऐसे टेक्नीशियन, ऐसे इंजीनियर, ऐसे मशीन ऑपरेटर, तमाम ऐसे लोग वैज्ञानिक जो इस काम के लिए दिन रात लगे हुए, उनका भी हौसला कहीं ना कहीं बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। वह दिन रात अपने को खपा के तमाम अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लगाए बैठे हैं, और ये बड़े बड़े मिशन के तहत ये काम हो रहा है, और ये काम में हमें सफलता जरूर मिलेगी ऐसा हमें विश्वास है। निश्चित रूप से रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा आएंगे। मंजू त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे। मंजू त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अब देश में तो लगातार ऐसी टनलें बन रही हैं, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में विशेष तौर पर उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम ऐसी जगह हैं जिनकी दूरी लंबी लंबी दूरी है, उनको निश्चित रूप से अच्छे अच्छी सोच के लिए ही ये टनल, इन टनलों का निर्माण किया जा रहा है, तमाम जगह ऐसी और टनल बन रही हैं। यंत्रों की अगर बात की जाए, लगातार आप देख रही हैं कोई यंत्र अमेरिका से मंगाया जा रहा है, कोई हॉलैंड से मंगाया जा रहा है, देश विदेश से अलग अलग यंत्र मंगाए जा रहे हैं। इस तरीके की टनल
जब बन रही है देश में तो उससे संबंधित जुड़े हादसे होने की संभावना भी बनी रहती है, उसको लेकर अभी हमारे देश में मतलब वो तैयारियां नहीं की गई हैं कि अगर ऐसे हादसे टनल बन रहे हैं तो इनसे जुड़े हादसे भी हो सकते हैं, फिर तमाम चीज़ों की इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होगी, उसको लेकर अभी सरकारें प्रयास नहीं कर रही हैं क्या? देखिए मनोज जी, अच्छी सोच के साथ अगर अच्छे लोगों को, रिप्यूटेड लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को ये ठेका दिया गया होता, भारी कमीशन ना लिया गया होता, तो ये स्थिति पैदा ही ना होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब तो रायता फैल चुका है, अब 41 जो जिंदगियां हैं वो आज 14-15 दिन से टनल के अंदर फंसी हुई हैं। इन्होंने एक तो गलती की ठेका देने में, जो भी किया, जिसको भी दिया, अनाड़ी इंसान को दिया, क्या किया मंजू जी उसके साथ, अभी क्या कर रहे हैं? मंजू जी, आपने सलाह फिर क्यों नहीं दी? आपको सलाह देनी चाहिए थी भाई, आप 41 जिंदगियां वो उत्तराखंड की है, देश की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है या सरकार की नहीं है, आपको सलाह देना चाहिए था। अनम्यूट करिए मंजू जी। जो जी जी, आवाज आ रही, आवाज आ रही। जो सलाह उसको दिया जाता है जो सलाह सुने। ये सरकार तो मैं बकरी की तरह सारा दिन मैं जो कुछ भी हूं मैं अपना ही चेहरा दिखाने में लगी रहती। खैर उन सब बातों को छोड़िए, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि अब तो रायता फैल चुका है, अब 41 जिंदगियों को बचाने का सवाल है। उसके लिए हमारे जी एक्सपर्ट जो है, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर रवि मिश्रा जी हमारे साथ बैठे, जैसे उनके उन्होंने बताया कि अब वर्टिकल खुदाई रिस्की तो है, चुनौती पूर्ण तो है, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि अब इसके बाद ऑप्शन भी नहीं है। खुदाई में भी जब ये टनल बना रहे थे, जब अगर 15-16 इंच की पाइप डली होती और क्रॉस कट्स किए होते तो आज ये नौबत ना आती, यहां भी इनकी नाकामयाबी साबित हुई। लेकिन जब टनल में मजदूर फंस गए, इन्होंने खुदाई शुरू की, तब इन्होंने पैरेलल काम क्यों नहीं शुरू किया? ये क्या इंतजार कर रहे हैं? अगर आप सोचिए, एक एक दिन उन मजदूरों के लिए एक एक वर्ष के समान लग रहा है। उनके परिवार जो अंदर हैं, अंदर की छोड़िए, जिनके परिवार में एक एक गरीब लोग हैं, एक बंदा कमाने वाला है, वो भी इस तरह से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो उन परिवार वालों को सोचिए। अब तो देश में इन्होंने थू थू करा दी, छींचा लेदर करा दिया, रायता फैला दिया, अब हम ईश्वर से खाली उन 41 मजदूरों के सही सलामत वापिस आने का ईश्वर से, भगवान बद्री विशाल से, केदारनाथ बाबा से खाली दिन रात विपक्ष भी और पूरा देश भी प्रार्थना कर रहा है, यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, ये सब लोग गए वहां पर देख रहे हैं और सरकार को बार बार हम सहयोग देने की बात करें। आप जैसे भी हो उन 41 लोगों को बचाइए। हाँ, निश्चित रूप से मंजू जी, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, पक्ष विपक्ष की यहाँ बात नहीं है, पूरा देश चाहता है कि ये 41 जिंदगियां सकुशल बाहर आए। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार के इन प्रयासों के लिए जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। हर विकल्प के ऊपर तो जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड सोच रहे हैं, सेना की सहायता ली जा रही है, हर प्रकार से उन मजदूरों के प्राण रक्षा के हेतु पूरी सरकार, क्या केंद्र सरकार उनके साथ लगी हुई है, सहयोग करने को, मिलिट्री सहयोग कर रही है, आम नागरिक का जो है भावना उनके साथ है। परंतु मंजू जैसी महिला बोल करके, विपक्ष की नेत्री होकर के जो पॉलिटिक्स कर रही है, जो राजनीति कर रही है, वो दुखदाई है। इस समय हमारा सहयोग सब, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई हो, सबका दायित्व बनता है कि उन मजदूरों का मनोबल बढ़ाएं। निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। सबका प्रयास होना चाहिए कि हमारे रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाएं। हमारे साथ देहरादून से एक दर्शक और उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनियाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं दर्शन उनियाल भानीवाला देहरादून से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता रविंदर जी से सवाल है कि जब हम 5 जगहों से रेस्क्यू की बात की गई थी और वर्टिकल जो है वो सुरंग बनाने की बात की थी और मशीन वहां पे जो है पहुंच गई थी, तो वो कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया? अब उस पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सुरंग को नुकसान न पहुंचे इसलिए वो कार्य नहीं किया गया, या इस बारे में सोच के ऐसा हुआ? अब उस कार्य को करें, अगर वो अब तक हो जाता तो हो सकता था उस कार्य से हम मजदूरों तक आज पहुंच भी जाते।
उनियाल जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आपने अपनी राय रखी। उनियाल जी निश्चित रूप से विशेषज्ञ वहाँ क्या अच्छा है क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए सोच रहे होंगे, और निश्चित रूप से वो अगर प्लान बी पर अगर पहले नहीं गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर सोच के ही वो नहीं गए थे, क्योंकि प्लान ये प्लान ए की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से कामयाबी के हम लोग नज़दीक थे, शायद इसलिए प्लान बी के बारे में हम नहीं सोच रहे थे। हालांकि ऑप्शन जरूर अधिकारी लगातार कह रहे थे कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, अगर हम इस रास्ते से नहीं पहुंचेंगे तो हम दूसरे विकल्पों की हम बात करेंगे। तो सवाल आपका निश्चित रूप से जायज़ है, लेकिन विशेषज्ञ निश्चित रूप से इन सवालों पर चर्चा कर रहे होंगे। हम और आप यहाँ बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन विशेषज्ञों के दिमाग में तमाम तरीके के विकल्प और सवाल निश्चित रूप से होंगे। कई विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर कामयाबी हमें कब तक मिलेगी। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे दो एक्सपर्ट ए के बियानी सर और डॉक्टर रवि मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आगे जाएंगे। उससे पहले शांति प्रसाद जी आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से मंजू जी ने तमाम बातें कहीं, हालांकि अब ये राजनीति का समय नहीं है, अभी सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मजदूर कैसे निकलें, आरोप प्रत्यारोप ये बाद में भी लगा लेंगे। हालांकि प्रयास आप भी देख रहे हैं और पूरे देश की जनता भी देख रही है कि सरकार किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है जिससे कि ये मजदूर बाहर जल्दी ना आ सकें। शांति प्रसाद जी, जिस तरीके से सरकार के प्रयास हैं, आप सरकार के प्रयास भी देख रहे हैं, उत्तराखंड के अलावा अन्य जगहों पर तमाम इस तरीके की टनल बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं, अभी के अगर समय की बात की जाए तो अभी का समय तो निश्चित रूप से सरकार के और रेस्क्यू टीम के सहयोग का है, लेकिन अगर इसके बाद टनल की अगर हम बात की जाए तो आप जमीनी पार्टी रहे हैं, उत्तराखंड हो या अन्य जगहों में इस तरीके की जो टनल बन रही हैं उनमें सरकार को चेताने के लिए आगे इस तरीके की घटनाएँ न हों उसके लिए विपक्ष के बतौर विपक्ष आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी कि जो 40 जाने फंसी है भगवान उन्हें सुरक्षित रखे, और जो रेस्क्यू करने वाली टीम है इनकी प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो, कोई भी प्लान हो जी, किसी भी तरीके से सफल हो और देश से लेकर राज्य की जनता को सुकून मिले। दीपावली के दिन से जो दुर्घटना हुई, आज 15 दिन हो गए हैं, सरकार का पहला प्लान फेल हो गया, जिस दूसरे प्लान पर आज सरकार काम कर रही है जी। अगर उसके पहले दिन का बयान देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिस्क है, पूरी टर्नल नीचे धंसने का डर है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बावजूद भी प्लान बी में जाने का मतलब यह होता है कि प्लान ए से सरकार ने अब हाथ खड़े कर लिए हैं, अगर जो ड्रिलिंग मशीन है उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि हम सुरंग के पैरेलल एक जो है सुरंग खोदेंगे और उससे 70 मीटर जाकर उसमें मजदूरों को निकाल के लाएंगे। चौथी बात इन्होंने कही कि हम पीछे के रास्ते से ड्रिल कर मजदूरों की जान बचाएंगे। खैर, सबसे रिस्की ड्रिल इस समय पर चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो और प्लान सफल हो भी। सवाल ये आता है, चर्चा में बात निकल कर आई है कि विपक्ष सहयोग करे, इतना सहयोग करें हम 15 दिन में बता दीजिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ हुआ हो, हम सरकार के साथ हैं। मगर क्या करें, हम सरकार को अगर आई बताएं, हमने कहा कि आप उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पर अनियंत्रित विकास ना करें, यह नुकसानदायक है, क्या गलत कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि किसी भी परियोजना को अगर पहाड़ में लागू करते हो तो भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को पहले करें, मानकों के अनुसार काम करें। अब बताइए, ये वो जिद्दी सरकार है ना, तो ये भूवैज्ञानिकों की मानती ना ये विपक्ष की सलाह मानती, और जब इनके गले फंसती है तब ये चिल्लाने लगते हैं कि हमें सहयोग करो। भाई हम कितना सहयोग करें, हम ये तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि ये 10 मीटर सुरंग खोद कर यदि उसको पक्का कर लिया जाता, ये तो 80-90 मीटर तक खोद के चले गए, ये गलती किसने करी? अब हम कार्यदायी संस्था को तो कहेंगे हम यही तो कहेंगे कि सरकार का फेलियर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कार्यदायी संस्था की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जीएम मजदूरों को दिवाली के दिन कह रहा है मरना है मरो काम करो नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ऐसे में गरीब मजदूर
पेट के लिए सुरंग के अंदर दिवाली के दिन भी अंदर चला गया तो सरकार की मशीनरी क्या देख रही थी। हम यही तो कह रहे हैं जी, मजदूरों का बीमा तक नहीं हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मजदूरों का बीमा कर दिया होता तो कम से कम हम ये मानते कि मजदूरों के मान सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान कार्यदायी संस्था ने रखा। हम कहां गलत हैं? अब बताइए, इस बीच इतना करने के बावजूद शांति प्रसाद जी इस बीच एक पिता का दर्द भी छलका है। उसने कहा है कि हम सकुशल हमारा बेटा बाहर आ जाए, हम चाहेंगे कि अपने बेटे से कहेंगे कि अब इस तरीके का काम वो ना करे, ये काम छोड़ दे। देखिए, एक बाप का तो दर्द है, एक माँ का दर्द है, वो तो अब कसम खा लेंगे अपने बच्चे को कि भूखा मरेंगे हम, पर हम ऐसी मजदूरी नहीं करने देंगे। मगर वो पिता क्या करे जिसको अपने बच्चे पालने हैं, वो तो जान जोखिम में डालता है। सवाल ये नहीं है कि दुर्घटना हुई, हमारा ये कहना है ये कृत्रिम दुर्घटना है, मानकों की अनदेखी है, इसलिए इतना बड़ा दुर्घटना हुई। अभी तक जीएम पे कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, 11वें दिन सुरंग के ही कार्यदायी संस्थाओं के जो भी इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल देंगे जी। जैसे ही ये बयान आया बाहर, आप देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि सचिवालय हमने उत्तरकाशी में बना लिया मिनी सचिवालय, मुख्यमंत्री जी गेट के बाहर जाके बैठ गए, उन्होंने काम में बाधा ही डाली, कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई, मजदूर बाहर आ जाते तब आप सिरे ले लेते। प्रधानमंत्री कार्यालय जी पल पल की रिपोर्ट ले रहे, मैं पूछना चाहता हूं 11वें दिन जो रिपोर्ट ली थी उसका क्या हुआ, किस पे कार्रवाई करी प्रधानमंत्री जी ने? मेरा कहने का मतलब है, यदि मजदूर बाहर निकल जाते तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाहर निकाल दिए, जैसे उन्होंने करा अंदर खुदाई का काम। ये जो श्रेय लेने का बात भाजपा कर रही है उससे हमको बोलने का मौका मिल रहा। हम बड़े दुखी और व्यथित होकर कह रहे हैं कि यदि मजदूरों की जान फंसी हुई है कम से कम भाजपा इसमें राजनीति ना करे। हम क्या सवाल गलत पूछ रहे कि भाई अगर कार्यदायी संस्था ने मानकों पर कार्रवाई काम नहीं किया तो भाजपा ये बताए ना कि कितनों पे कार्रवाई करी, मजदूरों का बीमा नहीं हुआ तो कितनों पे आपने कार्रवाई करी, और ये ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है, यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो इस पर क्या है प्लान सी, क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं है। हाँ, हम केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ये काम नहीं चलेगा कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा। अरे विपक्ष का ये सहयोग बहुत है कि हम अभी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मानव जाति को बचा लीजिए, मगर जब आपके प्लान फेल हो रहे हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते हम सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से शांति प्रसाद जी आपके पास आना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप रवि मिश्रा सर के पास हम आना चाहेंगे, कुछ तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। रवि मिश्रा सर, जिस प्रकार अभी तक परपेंडिकुलर ड्रिलिंग चल रही थी और उसके नजदीक थे, जैसा कि बयानी सर ने भी कहा कि इस रास्ते से हो सकता था कामयाबी नजदीक आ सकती थी, हम काफी नजदीक भी पहुंच गए थे, तो परपेंडिकुलर के काफी नजदीक थे हम, अब हम वर्टिकल हम गए हैं, उसमें तमाम रिस्क भी बताया जा रहा है और दूरी भी काफी है। अगर इसके साथ ही, अगर वर्टिकल के साथ ही परपेंडिकुलर भी अगर हम ड्रिलिंग एक साथ करते हैं तो क्या इस रेस्क्यू अभियान में कोई किसी तरीके का रिस्क और बढ़ जाता है? क्या कहते हैं आप? देखिए मनोज जी, जी ये पहले भी ये चर्चा में ये विषय आया है कि हम सिक्वेंशियल ऑपरेशन ना करें और कंसिक्वेंशियल ऑपरेशन ना करें जी, बल्कि साइमल्टेनियस मल्टीपल अप्रोचेस के साथ रेस्क्यू को आगे बढ़ाएं। ये हमेशा लाभदायी रहेगा कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑपरेशन जब फेल हो जाए तब हम दूसरे के बारे में शुरू करें, और तब चूंकि ये लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग एरिया है जी, मशीनों को दूर से बाहर से मंगाना है, और सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर इसमें है वो है टाइम। उस टाइम को मद्देनजर हमेशा ये होना चाहिए कि जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करें, और जो भी पहले पहुंच जाए वो उसका रिजल्ट हमको जल्दी मिल जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सामने से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी है और टॉप से वर्टिकल ड्रिलिंग, दोनों इंडिपेंडेंट एक्शन है और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है जी। और जो हॉरिजॉन्टल एक्शन है वो अगर मशीन के ब्लेड्स जो फंस गए थे उनको प्लाज्मा कटर से अगर सक्सेसफुली आज निकाल देते हैं तो दे कैन अगेन अटेम्प्ट, या तो दोबारा अगर मशीन से कर पाए तो करें जी। वो तो जो ऑन साइट जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो वहाँ के इंजीनियर्स ही बता पाएंगे। हम लोग जो इतने दूर बैठे हैं विदाउट एनी एक्सेस टू डेटा आई कैनॉट कमेंट स्पेसिफिकली, बट
हम ये बता सकते हैं कि हाँ फ्रंट एंड हमेशा सेफर है क्योंकि उसमें डिस्टेंस अभी खाली 5 से 7 मीटर की बची हुई है। तो उसके लिए हम वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे हम या तो किसी रोटरी चीज़ से हम पुश करें या मैकेनिकल चीज़ से पुश करें या मैनुअल से पुश करें 5 से 7 मीटर की डेब्रिस को आगे पुश करके गिराएं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमारा लेबर के साथ कम्युनिकेशन है, दो दिस सजेशन इज जस्ट आउट ऑफ माई ब्लू थाट कि ये बहुत ही क्रूड और प्रिलिमिनरी है कि हम लेबर से भी कहें कि उस तरफ से भी 2-4 मीटर का डेब्रिस वो हटा सकते हैं जहाँ पे हमारी जो ये 3 फीट का पाइप है 800 mm का उसके माउथ पर उस वहाँ से डेब्रिस उधर से भी हटाना शुरू करें। अगर वो लेबर लोग भी 2-4 मीटर भी हटा लेते हैं और उधर से 1-2 मीटर पुश कर पाते हैं तो शायद हम दोनों के सहयोग से जल्दी हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ऊपर वाला जो सवाल है वो ड्रिलिंग की स्पीड मैटर करती है क्योंकि ऑगर मशीन जो अभी लगभग टोटल जो थिकनेस है वो शायद 96 मीटर के आसपास है जैसा आप बता रहे हैं जी। 15 मीटर ड्रिल हो चुके हैं, करीब 75 करना है, तो 75 मीटर ड्रिल करने में जो किस टाइप की मशीन है, कितना हम वाइब्रेशन या कितना हम स्ट्रेस दे सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो रेट ऑफ ड्रिलिंग है, और रेट ऑफ ड्रिलिंग के हिसाब से मिनिमम हम 8 से 10 मीटर रोज से ज़्यादा शायद ना ड्रिल कर पाएं जी। जो लिमिटेशंस है वहां पर हमको ज्यादा वाइब्रेशन नहीं देना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, तो इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8-9 दिन का मार्जिन बनता है ऊपर से पहुंचने। तो उससे ज्यादा सहूलियत समय के को ध्यान में रखते हुए जो फ्रंट एंड ड्रिलिंग है वो ज्यादा सहूलियत है, जल्दी पहुंचने का उसमें उम्मीद है और इसमें रिस्क फैक्टर कम, बहुत ही कम है, इसमें सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल मिश्रा सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। एक दर्शक हमारे साथ राम सिंह रावत जुड़े हुए हैं। राम सिंह रावत, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि राहुल गांधी के बारे में मैं कहूँ कि जैसे राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल देते हैं, हेलो जी जी, तो बीजेपी तुरंत देखिए देखिए राम सिंह रावत जी, हमारा विषय आज ये नहीं है कौन किसके बारे में क्या बोलता, हमारा विषय माफ कीजिएगा, आप अगर इस विषय पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जी। सर इस पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी कोई टिप्पणी करते। राम सिंह जी माफ करिए, आपका बहुत शुक्रिया, हम इस विषय पर आप आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस विषय पर जब चर्चा होगी निश्चित रूप से आप बात करिएगा, आपकी बात रखी जाएगी। रवि मिश्रा सर, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से NDMA के सदस्य जो हैं सैयद अता हसनैन सर, वो उनका कहना है कि 60 से 65 घंटे हम मान के चल रहे हैं कि इस ड्रिलिंग में लगेंगे, क्योंकि 86 मीटर हमें जाना है, 15 मीटर लगभग हम जा चुके हैं, 70-71 मीटर और हमको जाना है, 65 से 70 मीटर हमको 65 से 70 घंटे लगेंगे, लेकिन वो ऑल ओवर 100 घंटे मान के चल रहे हैं कि 100 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये काफ़ी रिस्की अभियान है, समय कितना भी लग सकता है। तो मतलब इस तरीके के बयानों में भी बार बार फर्क देखने को मिल रहा है और लगातार समय भी बढ़ ही रहा है। दूसरी बात ये कि जो ऊपर जो ये रेस्क्यू में लोग लगे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा की तमाम चिंताएं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए जैसा हमने अभी मैं कह रहा था जी कि वर्टिकल ड्रिलिंग इज आवर सेकंड हार्डर एक्शन देन दी जो सॉफ्टर एक्शन था जो फ्रंट ड्रिलिंग करता था जी। तो जाहिर है कि इसको हार्डर इसीलिए कहा गया है प्लान बी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस और रिस्क का जो पैरामीटर है वो ज्यादा है। रिस्क जो है वो हर आदमी का रिस्क असेसमेंट अलग अलग स्केल का होता है जी। जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड है, जब तक कि हम रॉक की लिथोलॉजी, उसका स्ट्रेटिफिकेशन, उसके फॉल्ट प्लेन्स या बहुत सी चीजें न जानने, तब तक हमारा रिस्क खाली जो है एक ग्रॉस असेसमेंट के लिए है। वर्टिकल ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा जो रिस्क इन्वॉल्व वो होता है, क्योंकि ऊपर जो टॉप सॉइल है वो जो टॉप रॉक्स हैं वो काफी अनकंसोलिडेटेड और वीक प्लेन्स के थ्रू हैं, तो उनको अगर हम ड्रिल करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, तो जब हम वर्टिकल होल खोद भी लेंगे, ड्रिल भी कर देंगे और एक्सेस पहुंच भी जाएगा, तो भी उस होल के कोलैप्स स्टेबल करने का कोई माध्यम नहीं है। वो होल जो है दोबारा जल्दी से फिर से गिर करके कोलैप्स होने का चांस है जी। इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम ड्रिल करेंगे और फिर कोलैप्स ना कर जाए, इसके यही एक सबसे बड़ी उसमें हमको जो है अनफोर्सीन चैलेंज नजर आ रहा है, और शायद इसी वजह से कुछ लोग कह रहे होंगे इसको हमको दोबारा ड्रिल करना पड़ सकता है, और इसीलिए समय का असेसमेंट हर एक्सपर्ट का अलग अलग होगा।
निश्चित रूप से रवि सर आपके पास हम आएंगे, ए के वियानी सर आपके पास आना चाहेंगे। ए के वियानी सर, जिस तरीके से लगभग 15 दिन, आज 15वां दिन है, 2 हफ्ते हो गए हैं इन मजदूरों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी है, इस बीच इन लोगों में काफ़ी तनाव भी देखने को मिल रहा है, लगातार समय भी बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अब प्रशासन ने, रेस्क्यू टीम ने व्यवस्था की है, अंदर मोबाइल भेजे जा रहे हैं, अंदर वीडियो गेम लूडो जैसे तमाम गेम ऐसे भेजे जा रहे हैं ताकि उन लोगों को वो ये गेम खेल सके, अपनी मनोदशा में थोड़ा बदलाव ला सकें। तो इन जो ये लोग अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, इनके मनोदशा पर निश्चित रूप से ये बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इस तरीके के प्रयास उनके मनोदशा पे कितना फर्क डालेंगे? देखिए, उनका मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अभी 15 दिन हो गए हैं और अभी हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो कब निकल के आएंगे। हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए जी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उनके अंदर एक निराशा की भावना भी उत्पन्न होती है, जो सामान्य है, हर आदमी के अंदर होती है अगर वो मुसीबत में फंसता है। तो ऐसे केस में अगर जब सरकार अपनी तरफ से जैसे उनको मोबाइल अवेलेबल करा दिया, आपने जैसा बताया, या वीडियो गेम भेज दिए, तो ये बिल्कुल सांप सीढ़ी गेम, वीडियो गेम तमाम भेजे गए हैं उनके पास, भेजे गए हैं, लैंडलाइन फोन भी उन वहाँ लाइन बिछाई जा रही है ताकि वो अपने परिवारजनों से बात भी कर सकें। अगर वो परिवारजनों से बात करते तो निश्चित रूप से उनका हौसला काफी बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि परिवार दोनों तरफ से चिंता है, एक तो उसको अपने परिवार की चिंता है और परिवार को उस आदमी की चिंता है जो वहाँ अंदर फंसा हुआ है। अगर दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें तो निश्चित रूप से इन जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला बढ़ेगा और वो हो सकता है कि उनकी मनोदशा अभी कुछ हद तक सुधर जाए। और इसमें जो शासन का प्रयास है कि उनको तरह तरह की सुविधा देना या अच्छा खाना दे देना या अच्छा पहनने को दे देना, ये सारी प्रयत्न चल रहे हैं, तो इससे उनका प्रयास बढ़ेगा और उनको सरकार ये बात समझ में आना चाहिए या समझा दी जानी चाहिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्लान किसी न किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि प्लान की कमी है, प्लान लगातार चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात नहीं की, मैंने हॉरिजॉन्टल पुश की बात करी है, अगर हम पुश करेंगे तो हो सकता है कि शायद उसमें जल्दी सफलता मिल जाए, क्योंकि उसमें फिर लंबा चौड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, आपको एक रॉड अंदर डालना है जो ऑलरेडी डायमीटर आपके पास 46-47 मीटर अंदर जा चुके हैं, और उसके बाद उसी पाइप के अंदर आप एक रॉड डालो और पीछे से पुश करें, चाहे बुलडोजर से करें या किसी से करें, जैसी भी मशीन से करें, तो हो सकता है उसमें, जैसा मिश्रा जी ने कहा कि उधर से भी वो कुछ हेल्प करें और कुछ इधर से हम हेल्प करें, तो सफलता मिल सकती है। और वर्टिकल ड्रिलिंग तो अपना काम करी हुई, और उम्मीद है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में सिर्फ लास्ट स्टेज का प्रॉब्लम आएगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि टनल के ऊपर लाइनिंग होती है, जो टनल वाल है, टनल रूफ है, उस पर लाइनिंग होती है, अगेन वहाँ पर सरिया आएगा और वो सरिया को काटना और ये सारी चीज़ें पहले से इनको डिसाइड कर लेना चाहिए। हो सकता है वो 3 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, पर उसका भी प्लान इनको ध्यान में रखना चाहिए और हम जल्दी से जल्दी मजदूर तक पहुँचे, ये सबकी कामना है और पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो निकल के बाहर आए। निश्चित रूप से ए के बियानी सर, हम आपके पास आएंगे, उससे पहले हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला हमारे नियमित दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। बड़ा दुखद है और अब हम सिर्फ ईश्वर, हम जो किसी भी गलती हो ये सब बताना हमारा काम नहीं है जी। हम इसका हाल ये बता रहे हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ टनल के बाहर हमारे इंजीनियर या जो लोग काम कर रहे हैं जी। एक 41 हनुमान चालीसा लेके आवे, 41 जो अंदर भेज दें उनके पास में जी। और जो बाहर बैठे हुए हैं ये भी जो है जितने लोग हैं सब लोग हनुमान चालीसा ले आवे, और हनुमान चालीसा को जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो पढ़ेंगे जो है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बुद्धि दो विवेक दो मैं सफल हो जाऊं, ये हटा लो जिंदगी बचा लूं, ये संपुट लगा के हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई के आगे पीछे लगाएंगे। निश्चित रूप से गिरीश जी, निश्चित रूप से गिरीश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने सलाह दी है और इस सलाह पर निश्चित रूप से वो लोग काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बौखनाथ बाबा का मंदिर भी वहाँ था जिसको नज़रअंदाज किया गया था, वो भी तमाम कारण है, वहाँ पूजा पाठ की भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी तरीके से कोई किसी भी पहलू, जो भी लोग सलाह दे रहे हैं हर पहलू पर रेस्क्यू टीम और सरकार काम कर रही है, कोई जो भी जैसी सलाह दे रहा है उस पर सरकार काम कर रही है कि किसी तरीके से जैसे भी हो, देवी कारण हो या जो भी कारण हो, उनके उनको भी
उन प्रयासों को भी किया जा रहा है जिससे कि ये मजदूर बाहर आ सकें। राधा मोहन सिंह वाराणसी से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधा मोहन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सर जी। हेलो राधा मोहन जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये जो है मेरा प्रॉब्लम है, अगर टीवी पर मैं देना चाहता हूँ तो आप उसको चला देखिए। देखिए राधा मोहन जी, अगर विषय आप किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, हमारा विषय दूसरा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एके बयानी सर, आपके पास एक बार फिर से हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, हालांकि काफ़ी बातें आप बता चुके हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग में ऊपर से पहले से भी मलबा नीचे आ चुका है, वर्टिकल ड्रिलिंग में किसी जिस तरीके से अब ड्रिलिंग होगी, काफ़ी डाया में जाके ड्रिलिंग होगी, अन्य ऊपर से और भी मलबा नीचे जाने की संभावना क्या अब नहीं बनेगी जिस तरीके से अब ये ड्रिलिंग होगी, और भी तमाम समस्याएं जो ऊपर से ड्रिलिंग में आएंगी उससे निपटने के लिए इनको इन रेस्क्यू टीम ने आपको क्या लगता है क्या तैयारियां की होंगी? और दूसरा, अगर ये भी प्लान, अगर वैसे तो उम्मीद करते हैं ये भी प्लान ये तो सक्सेस ही होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो प्लान सी क्या हो सकता है इनके लिए? ड्रिलिंग की बात करी है, ऊपर से मलबा जैसे जैसे ड्रिलिंग में हम नीचे जाएंगे मलबा डेफिनेटली गिरेगा जी। पर एक अच्छी बात ये कि उसके पीछे जहां पर ड्रिलिंग करी जा रही है उसके पीछे 2 किलोमीटर तक का रन हमारे पास अवेलेबल है, टनल खुदी हुई है, तो ये किसी मजदूर के ऊपर गिरेगा ये तो संभव नहीं है जी। उनसे ये कह दिया जाए कि भाई आप पीछे हट जाओ, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर पीछे हट जाओ, उनको तो 2 किलोमीटर तक का दायरा अवेलेबल है, तो इसलिए ऊपर के मलबे के गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि मलबा अगर कम भी गिरता है पर पानी भी आ सकता है जी। वैसे जो जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई कि वहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं जा रहा है, तो हम यही कामना करेंगे पानी नहीं आ, पर खुदा न खास्ता पानी आ गया तो जैसे आज अखबारों में खबर छपी कि पानी धीरे धीरे निकलना बाहर शुरू हो गया है, तो पानी भी कहीं ना कहीं जो मलबा गिरा है उसको कमजोर कर रहा है। अब यानी सर, कल एक अपडेट भी सामने आया था कि पानी कहीं से रिसता हुआ ऐसा महसूस किया गया था अंदर, मजदूरों की तरफ से ये अपडेट भी मिला था। हाँ तो वो तो आ सकता है क्योंकि पानी तो आएगा, अगर आप इतनी गहराई पे खुदाई कर रहे हैं, अगर 100 मीटर का पहाड़ है या 200 मीटर का पहाड़ है तो वो पानी आना लाजमी है, क्योंकि जो पानी रहता है वो चट्टानों के अंदर उतरता है और वो रंध्रों में रहता है जिसको हम पोर स्पेस कहते हैं, चाहे वो ज्वाइंट के कारण बने, चाहे वो रॉक की अपनी नेचुरल हो या फॉल्ट के कारण बने, तो पानी तो रहेगा ही रहेगा, पानी आना आएगा भी। हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली पानी नहीं आएगा, पर अभी जो पानी आ रहा है क्या लाइनिंग के अंदर से आ रहा है या लाइनिंग तोड़ के आ रहा है ये देखना जरूरी है। लाइनिंग इसीलिए की जाती है कि पानी नहीं आए टनल के अंदर, टनल हमेशा ड्राई रहे, अगर लाइन तो लाइनिंग तोड़ के अगर पानी आ रहा है तो वो फिर एक रिस्की हो सकता सिचुएशन बनती है। और साथ ही साथ जो प्लान सी की बात कर रहे हैं जी, वो शुरू से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर हम ये बड़कोट साइड से या ब्रह्मखाल साइड से खुदाई करके तो वो सेफेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि उस साइड में कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है ठीक है, टाइम लगता है क्योंकि 400 मीटर की खुदाई करना है, हॉरिजॉन्टल खुदाई के लिए अगर हम 3-4 छोटी छोटी डायमीटर की खुदाई करते तो हम जा सकते थे, और वहाँ तक जाने में अभी तक हम कभी क्या पहुँच गए होते। 400 मीटर खोदना कोई बड़ी बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग भी होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिडायरेक्शनल ड्रिलिंग भी होती है, सब तरह के ऑप्शन अवेलेबल थे जी। पर जो भी है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नतीजा निकले, तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी ये सभी साथ साथ चले तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल एके बयानी सर, क्योंकि एक प्लान के फेल होने के बाद अगले प्लान को अगर उसके बाद शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से समय फिर लंबा लगेगा, तो कई प्लानों पर एक साथ काम करना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञ वहां पर हैं, वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को ध्यान में दे रहे होंगे। अशोक जी नैनीताल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। कि यहाँ पर कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ या कोई सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हुआ जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अशोक जी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, अशोक जी अपनी बात रखिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ इसमें सुरंग में कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ या कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं था जिससे सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हुआ।
देखिए अशोक जी, नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, रेस्क्यू से इसका लेना देना नहीं है, ये बाद में सोचने वाली बातें हैं। इस पर बाद में मंथन होगा कि कहाँ नियमों का के उल्लंघन हुए और कहाँ कमियां रहीं जिसके बाद ये हादसा हुआ। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। एक आखिरी और छोटा सा सवाल हमारा रविंद्र जी से है। रविंद्र जी, आपने चूँकि विपक्ष भी आपके पूरा सहयोग विपक्ष भी कर रहा है, विशेषज्ञों की राय आपने सुनी, सरकार के लिए निश्चित रूप से सरकार प्रयास तो सब कर रही है, सरकार के लिए तमाम चुनौतियां भी हैं, इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है, अब चर्चित मुद्दा भी काफ़ी ये बन चुका है, सरकार का प्रयास क्या रहेगा? मुख्यमंत्री तो वहां डेरा भी डाल चुके हैं, सरकार का प्रयास क्या रहेगा? रविंद्र जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से श्रमिक फंसे हुए हैं, इसकी एक्सपर्ट बियानी जी और मिश्रा जी ने बड़े विस्तार से बड़े अच्छे ढंग से बताया, और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि जो लोग उस सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, वो बता सकते हैं जी। हालांकि दोनों महान एक्सपर्ट हैं, इस काम के माहिर हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे क्या राय देंगे बैठ के, ये मैं मुझे नहीं लगता कि निश्चित रूप से, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि हमारी सरकार की माननीय मोदी जी हो चाहे राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में हो, देश ने देखा है जब संसद भवन बन रहा था तो उनके मजदूरों के साथ बैठ के जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने उनकी प्रशंसा करी, उनके साथ बैठ के उनका सम्मान किया बनने के बाद भी और बनते हुए भी, इसी प्रकार प्रयागराज में जब बड़े कुंभ का आयोजन हुआ तो उसमें काम करने वाले लगातार मजदूर ऐसे जो सफाई करने वाले थे उनके पैर धोके जिस प्रकार से उनका आदर सम्मान किया, ये देश ने कहीं ना कहीं देखा। तो आप निश्चित हो जाइए कि किसी भी रूप में जो हमारे श्रमिक फंसे हुए वो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी के हृदय में है, उनकी पूरी निश्चित रूप से। रविंद्र जी, जनता ये देख रही होगी, पूरा देश देख रहा है, हालांकि जनता लगातार तारीफें भी कर रही है पूरा सरकार के प्रयासों में, किसी तरीके की कोई कोताही नहीं है, जिस तरीके से जो भी बन पड़ रहा है सरकार वो कर रही है शासन प्रशासन की तरफ से, हालांकि अभी तक कोई ऐसा कोई फेलियर देखने को नहीं मिला कि कहीं से कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कोताही बरती जा रही हो, और पूरा देश इस बात को देख भी रहा है। एके बयानी सर, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों को हमारे आपने विश्लेषण कर इस बात से रूबरू कराया, इस जानकारी से अच्छे से रूबरू कराया। रवि मिश्रा सर, आपका भी शानदार विश्लेषण कर आपने हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इस विषय के बारे में जानकारी दी। मंजू त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रविंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी ने के न्यूज़ को समय दिया। तो आपको बता दें, जनहित में आज ये महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। जनहित में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।